अस्सलाम वालेकुम, डेली नया चैनल के साथ मैं हूँ स्नोबर्ड छोटी। आज आपको दिखाऊंगी दुबई के नज़ारे घर बैठे, जो कि है कराची में। आज बताएंगे कराची का जो पार्क है बिल्कुल दुबई की तरह बना हुआ है, जो कि पीपल स्क्वायर है। यहाँ आपको फूड कोर्ट भी मिलेगा, जंपिंग कैसल भी है, झूले भी है, बिल्कुल दुबई की तरह नज़ारे दिखाएंगे घर बैठे। तो चलते हैं कराची के पार्क पीपल स्क्वायर की तरफ। जो झूले ना हो और मजा ना आए बच्चों को, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो आज बच्चों से भी जानते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। इस पे घोड़े पे बैठी हैं, उतर नहीं रही हैं ये। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक हूं। मजा आ रहा है जी? रोज आती है, कभी कभार आती है? कभी कभार। इस उतर क्यों नहीं रही आप घोड़े पे से? अच्छा लग रहा है? रोजी, बचपन के दिन याद आ गए। मैं पहुंच चुकी हूँ जंपिंग कैसल में और बड़ा मुझे बचपन अपना याद आ रहा है। एंजॉय कर रही हूँ और यहाँ बच्चे भी एंजॉय कर रहे थे। जंपिंग कैसल यहाँ पे फुल हुए हुए हैं, बिल्कुल भी जगह नहीं है। बच्चे बड़े छोटे सब एंजॉय कर रहे हैं। तो बच्चों से बात करते हैं। आइए बच्चे, इधर आइए। सबसे बड़ा बच्चा जो कि एंजॉय कर रहे हैं जंपिंग कैसल में और मजा आ रहा है इसको। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? अहमद। आप तो इतने बड़े और जंपिंग कैसल में एंजॉय कर रहे हो मेरी तरह, तो अच्छा लग रहा है जी। जी, कहाँ से आए हो आप? इधर से आए हैं। हमेशा आते हैं आपको दुबई वाले नजारे कराची में मिल रहे हैं? जी, आप पीपल स्क्वायर बिल्कुल दुबई वाले नज़ारे अब कराची में बैठ के हम देख रहे हैं और बच्चे बड़े सब यहाँ इसको एंजॉय कर रहे हैं और बड़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो कैसा फीडबैक है जरा बताएंगे हमारे साथ? ये जितने भी हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि हमने जब से ये हमारा पार्क चलना शुरू है माशाल्लाह, यहाँ पे हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, फूड स्ट्रीट हमने यहाँ पे ये बनाई हुई है। उसके अलावा बच्चों के लिए हमने जंपिंग कैसल, झूले, कार्स, यानी कि हर किस्म की हमने फैसिलिटी यहाँ पे अवेल की है उनको। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और अच्छे से अच्छा हम करेंगे और इंशाल्लाह आप लोग भी साथ ही हैं। आगे क्या प्लानिंग है? आगे की प्लानिंग अभी कुछ इतनी खास नहीं है और ज्यादा लीक हम करेंगे भी नहीं, क्योंकि जब आप आएंगे तो आपको नजर आएगा। सेकंड बात, ये जो हमारे बर्थडे पार्टी होती है, कोई भी इवेंट बच्चों के लिए इवेंट रखते हैं छोटा मोटा, तो उनके लिए क्या कोई आपने एरिया बनाया हुआ, जगह ऐसी बनाई? जी बिल्कुल, उनके लिए एरिया है हमारे पास और इंशाल्लाह उस पर अभी रेनोवेशन चल रही है हमारी और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो एरिया भी आपके सामने आ जाएगा। जी नाज़रीन, ये वो एरिया है जो कि फूड कोर्ट है और मजे मजे के यहाँ पे खाने मिल रहे हैं, अलग अलग मुख्तलिफ नामों से हर कुछ है यहाँ पे। स्नैक्स भी मौजूद है, जंक फूड्स भी मौजूद है, फास्ट फूड भी है, चाइनीज भी है, रशियन भी है, हर चीज़ आपको मिलेगी, ड्रिंकिंग भी है। मैं मौजूद हूँ साजिद मटन पे, जिसके आप देख रहे हैं कढ़ाई है, फेमस कढ़ाई यहाँ पे मिलती है। मुख्तलिफ कढ़ाई, वाइट कढ़ाई, रेगुलर कढ़ाई, मसाला कढ़ाई, मलाई कढ़ाई, हर तरह की यहाँ कढ़ाई मिल रही है यहाँ पे। और भी खाने भी मौजूद है, कटाकट भी मौजूद है, कलेजी फ्राई है। उसके बाद अगर हम आगे चल के बात करते हैं तो यहाँ उसके साजिद मटन का कैश काउंटर बना हुआ है, ये वो है जहाँ फैमिली जो है फैमिली रूम बना हुआ है, फैमिली आराम से इंजॉय करके अपना डिनर कर सकती है यहाँ पर आकर पीपल स्क्वायर में। और आगे चलते हैं फैमिली, ये भी फैमिली हॉल बना हुआ है। उसके बाद अगर चाय की बात की जाए, आपको पता है सर्दी है और ऐसी जगह में चाय ना हो तो मज़ा ही अलग हो जाता है। तो यहाँ पे चाय का भी जो है शॉप है, जो है दूध पत्ती वाली चाय यहाँ मिल रही है, आपको देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार लजीज, चाहे कावा हो चाय हो यहाँ पे आपको मिल रही है। कराची में रहकर आपको बाग खैबर भी नज़र आएगा, ताजमहल, अगर खूबसूरत नज़ारा है, अगर आप यहाँ पे वीडियो शूट की जाए, तस्वीरें ली जाए, तो ये बहुत ही अच्छा आपको जो है रिजल्ट मिलेगा। और लोग यहाँ पे तस्वीरें भी खींच रहे, मैं देख रही थी कैमरे के पीछे, लोग यहाँ वीडियो भी बना रहे हैं। ज़्यादातर टिकटॉकर जो है यहाँ पर आते हैं, वीडियो बनाते हैं और वीडियो से बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। बैक जो होती है उसकी टिकटॉक की यही होती है, जो पीछे बैक जो होती है रिजल्ट होता है वो बड़ा अच्छा होता है, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ बैकग्राउंड बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही आला किस्म का है। फैमिली भी यहाँ मौजूद है, बैठी हुई है, एंजॉय कर रही है, ठंड भी है लेकिन उनको बड़ा मज़ा आ रहा है। तो फैमिली से भी बात करते हैं। नाज़रीन, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पीछे बना हुआ है फाउंटेन, जो कि बहुत ही
जो है अच्छा लग रहा है और ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है, थोड़ी थोड़ी पानी की छींटे भी पड़ रही है। ये फाउंटेन है और कलरफुल है, जिस तरह आप देख सकते हैं इसमें ब्लू कलर रेड कलर आ रहा है। दुबई में जो फाउंटेन होता है वो अब कराची में भी है और देख सकते हैं दुबई का नज़ारा कराची में बैठकर, और बड़ा अच्छा लग रहा है। लोग यहाँ खड़े होकर सेल्फी बना रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, तो बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही मज़े का है। परेशान ना हो, कराची में आपको दुबई जैसा नजारा, दुबई जैसा पार्क मिल चुका है। और ये पार्क आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेजबान सरोवर छोटी को दीजिए इजाजत, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।